हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के दो वीडियोस दिए थे जिसमें हमने सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए थे, जिसमें हमने सभी के सभी सॉलिड्स के बारे में बताए थे और सॉलिड में कोई भी बेस जब ड्रॉ करना है तो किस टाइप से ड्रॉ करना वो हमने उसमें बताए थे। उसी के साथ साथ इसके पहले हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ एज ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट 80 mm इज रेस्टिंग ऑन द साइड ऑफ बेस ऑन HP। द एक्सिस ऑफ पिरामिड इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो ये स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम है। अब ये स्क्वायर पिरामिड क्या होता है और ये कैसे इसका बेस बनता है वो सब कुछ हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, स्क्वायर पिरामिड ऑफ 40 mm साइड एंड एक्सिस 80 mm लॉन्ग, इसका मतलब स्क्वायर पिरामिड का जो हम स्क्वायर ड्रॉ करना है उसका साइड ऑफ बेस है 40 mm और उसका हाइट, इट मींस जो उसका एक्सिस है वो दिया है 80 mm और क्वेश्चन में आगे लिखा है हैज साइड ऑफ बेस इन HP। क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ बेस इन HP। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइड ऑफ बेस इन HP है। आगे लिखा है कि एक्सिस ऑफ पिरामिड इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। इसमें जो सबसे स्टार्टिंग का वर्ड्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि साइड ऑफ बेस इन HP। देखो कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे कि कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है। पहला स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना, देन सेकंड होता है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना जिसमें हमें हाइट ड्रॉ करना है, देन थर्ड होता है सॉलिड को टिल्ट करना, इट मींस टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ करना, और फोर्थ होता है लास्ट में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ऑक्सिलरी प्लेन। तो इतनी स्टेप्स आती है, हम आपको स्टेप्स एक बार लिख के दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है। पहला काम है कोई भी प्रॉब्लम में ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना। सेकंड होता है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड जिसमें हमें सॉलिड का हाइट शो करना है। थर्ड होता है टिल्टेड सॉलिड। टिल्टेड सॉलिड का अर्थ यह है कि हमें सॉलिड को टिल्ट कराना है, इट मींस इंक्लाइन कराना है, तो वो हमें शो करना है। फोर्थ होता है टॉप व्यू या फ्रंट व्यू हमें शो करना है, और लास्ट होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन वगैरह शो करना जिसमें हमें सॉलिड को इंक्लाइन करना होता है पर्टिकुलर कोई ना कोई एज को या कोई ना कोई एक्सिस को। तो ये सब स्टेप्स होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करेंगे। ट्रू शेप ऑफ बेस अगर आपको ड्रॉ करना है तो ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करते समय स्क्वायर पिरामिड का बेस किस टाइप से बनेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड के बेस आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। आप या तो स्क्वायर पिरामिड का बेस ऐसा बनाएंगे, ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये स्क्वायर पिरामिड का बेस बनाएंगे, ये आपके पास पहला ऑप्शन, या तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं स्क्वायर पिरामिड का बेस जिसके अंदर ऐसे एजेस रहेंगे, ये इक्वली इंक्लाइन वाला स्क्वायर है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर ड्रॉ करना ये स्क्वायर ड्रॉ करना, तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में लिखा है कि स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ बेस इन HP। तो अगर साइड ऑफ बेस इन HP दिया है तो हम ये स्क्वायर बनाएंगे, ये देखिए ये जो स्क्वायर है हम ये बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे, अभी हम ये बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है साइड ऑफ बेस इन HP, जो साइड इन HP करना है वो साइड हमेशा राइट साइड में रखना है। देखिए वो साइड राइट साइड में है, ये देखिए ये स्क्वायर पिरामिड अगर हम बनाते हैं तो इसकी राइट साइड में ऐसा एक एज आता है जो हमें HP में करना है। हम इसको नेमिंग दे देंगे ABCD, और अगर आप इसको नेमिंग देंगे तो ये ABCD और बीच में एक्सिस का पॉइंट होता है O/P। ये देखिए आपको ये बेस कब ड्रॉ करना है और ये बेस कब ड्रॉ करना है ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताए थे। तो यहां पे अभी हम ये बनाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है साइड ऑफ बेस इन HP। अगर क्वेश्चन में लिखा है साइड ऑफ बेस इन HP तो आप ये बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगुलर फेस इन HP तो भी आप ये बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगुलर फेस इंक्लाइन टू HP तो भी आप ये बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में जब कभी भी साइड ऑफ बेस या एज ऑफ बेस या ट्रायंगुलर फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो आपको ये स्क्वायर बेस ड्रॉ करना है जिसके राइट साइड में एक वर्टिकल एज आए,
क्योंकि अगर आप राइट साइड में वर्टिकल एज लेंगे तो ही उसको टिल्ट कराने में आसानी होती है। इसके पहले जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स लिए थे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में हमने बताए थे कि जो भी कॉर्नर या जो भी एज इन एचपी करना है वो आपको लेफ्ट साइड में लेना है, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हमने बताया है कि जो भी कॉर्नर या जो भी एज आपको इन एचपी करना है वो आपको राइट साइड में रखना है। वो इसीलिए राइट साइड में इसलिए रखते हैं क्योंकि सॉलिड को टिल्ट कराने में आसानी होती है, क्योंकि सॉलिड को राइट साइड से टिल्ट कराना पड़ता है, इट मींस राइट साइड से उसको झुकाना होता है, इसलिए हमें वो चीज राइट साइड में रखनी होती है जो चीज इन एचपी करना है। अभी क्वेश्चन में लिखा है साइड इन एचपी, इसीलिए हम ये साइड को राइट साइड में रखेंगे। अगर आप राइट साइड में रखेंगे साइड तो आपको झुकाने में, इट मींस टिल्ट कराने में आसानी होगी। और ये बेस कब ड्रॉ करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है अ स्क्वायर पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी तो आप ये बनाएंगे, अगर कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी बोला तो ये ड्रॉ करेंगे, या अगर क्वेश्चन में लिखा है स्लैंट एज इन एचपी तो भी ये ड्रॉ करना है, या अगर क्वेश्चन में लिखा है स्लैंट एज इंक्लाइन टू एचपी तो भी आपको ये ड्रॉ करना है। अगर आपको स्लैंट एज बोला तो ये ड्रॉ करना है, स्लैंट फेस बोला तो ये ड्रॉ करना है, ठीक है ओके। तो ये फेस के लिए बनता है और ये एज के लिए बनता है, स्लैंट एज ध्यान में रखिए, ये हमने कहा स्लैंट एज, स्लैंट एज रहा तो ये ड्रॉ करना, स्लैंट फेस रहा तो ये ड्रॉ करना, और अगर एज ऑफ बेस इन एचपी बोला या साइड ऑफ बेस इन एचपी बोला तो ये ड्रॉ करना, कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी बोला तो ये ड्रॉ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम जो एग्जाम में आता है उसमें एज ऑफ बेस या साइड ऑफ बेस या कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी या इन वीपी ये सब लिखा होता है, तो ये सब आपको पढ़ के पहले डिसाइड करना होता है कि किस टाइप का बेस बनेगा। ये हमेशा स्क्वायर पिरामिड या पेंटागोनल पिरामिड या हेक्सागोनल पिरामिड, ये तीन शेप में ही हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो आपको इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए फाइनली अभी हम ये स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करेंगे जिसके राइट साइड में वर्टिकल एज है। तो चलो ये स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करेंगे एज ए ट्रू शेप, लेकिन ट्रू शेप आपको कहां ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर या एक्स वाई लाइन के नीचे, वो कैसे समझ में आएगा, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है अ स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ बेस इन एचपी, तो अगर साइड ऑफ बेस इन एचपी है तो आप ट्रू शेप भी इन एचपी बनाओ, इट मींस एक्स वाई लाइन के नीचे। अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी, एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी, सरफेस इंक्लाइन टू एचपी, जनरेटर इन एचपी, फेस इन एचपी, फेस इंक्लाइन टू एचपी, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी, बेस इंक्लाइन टू एचपी, कोई भी चीज इन एचपी या इंक्लाइन टू एचपी है तो आपको ट्रू शेप भी इन एचपी ड्रॉ करना है, इट मींस एक्स वाई लाइन के नीचे, समझे, इट मींस एक्स वाई लाइन के नीचे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है साइड इन वीपी, एज इन वीपी, कॉर्नर इन वीपी, एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी, कोई भी चीज इन वीपी या इंक्लाइन टू वीपी दिया है तो आपको ट्रू शेप भी वीपी में ड्रॉ करना है, इट मींस एक्स वाई लाइन के ऊपर, समझे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो यहां पे फिलहाल लिखा है स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ बेस इन एचपी, तो चलो एक्स वाई लाइन के नीचे, इट मींस एचपी में हम ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे, ये स्क्वायर पिरामिड का बेस ड्रॉ करेंगे एज ए ट्रू शेप, और इसका साइड दिया है 40 mm लॉन्ग। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बिना रेफरेंस लाइन के कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। तो ये हमने रेफरेंस लाइन बना लिए और अब यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर जो हमें ड्रॉ करना है उसमें राइट साइड में हमें एज रखना है तो लेफ्ट साइड में भी एज आएगा। तो ये सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और अब आप स्क्वायर का जो साइड है 40 mm साइड, वो 40 mm साइड का यहां पे लेके आप स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने स्क्वायर बेस ड्रॉ कर लिए, इसमें नेमिंग दे देंगे ए बी सी डी, और यहां पे एक्सिस का पॉइंट रहेगा ओ स्लैश पी। तो ये देखिए, ये हमने स्क्वायर पिरामिड का बेस ड्रॉ कर लिए 40 mm साइड का, यहां पे हमने डायमेंशन भी दिए हैं, और अब यहां पे हमने सभी पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे, इट मींस हम ऊपर प्रोजेक्शंस इसके लेके जाएंगे, तो ऊपर हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए आपको सारे पॉइंट जो है, सभी पॉइंट्स आपको ऊपर लेके जाना है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो फाइनली हमने यहां से हाइट ले लिया है, तो हाइट यहां पे हमें 80 mm दिया है क्वेश्चन में, तो हम यहां पे 80 mm का हाइट देंगे। तो ये हमने 80 mm का हाइट लिए, और 80 mm की हाइट पे हम एक्सिस का अपेक्स का पॉइंट O- ऐसा शो करेंगे,
ए और बी यहां पे आए हैं, तो यहां पे हम शो करेंगे बी डैश स्लैश ए डैश। आप यहां पे बी डैश ए डैश ऐसा भी लिख सकते हैं, या ए डैश बी डैश ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा स्लैश का यूज करके भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। सी और डी यहां पे आया, तो ये हो गया सी डैश स्लैश डी डैश। और एक्सिस का जो पॉइंट है, एक्सिस होता है ओपी, ओ जो है वो अपेक्स का पॉइंट है, वो हमने ऊपर दे दिए 80 mm, यहां से आपने 80 mm ऊपर दे दिए, और जो पी है वो बेस में रहेगा, तो यहां पे हम दे देंगे पी डैश। और अब हम यहां पे ज्वाइन करेंगे सभी पॉइंट्स को। तो ज्वाइन करते समय आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स बहुत ही सिंपल है। रूल ऐसा है, रूल नंबर 1, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। बाहर के सभी पॉइंट्स आपको पहले डार्क करना है। तो ये देखिए, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स आपको डार्क करना है। ये रूल नंबर 1 है, जो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो ये हमने बना दिए, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। अब सेकंड रूल होता है ड्रॉ द बेस। बेस ड्रॉ करना होता है, और बेस यहां पे ऑलरेडी ड्रॉ है, देखो एबीसीडी यहां ऑलरेडी जॉइंट है। थर्ड रूल होता है ड्रॉ द एजेस। एजेस यहां पे कितनी है, तो यहां पे 4 एजेस हैं। ये देखिए एजेस OA, OB, OC, OD, ऐसे टोटल 4 एजेस हैं, और यहां ऑलरेडी OA, OB, OC और OD ऑलरेडी ड्रॉ हो गया, आपको डबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट रूल होता है ड्रॉ द एक्सिस। तो अब हमें यहां पे एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस यहां पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, O डैश P डैश, यहां पे हमें एक्सिस ड्रॉ करना है। तो चलो यहां पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस बनाते समय हमेशा लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन ऐसा यूज करना है। देखिए लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन ऐसा आपको ड्रॉ करना है। तो फाइनली ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और यहां पे ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ कर लिए। पहला स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ बेस, सेकंड स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। ट्रू शेप ऑफ सॉलिड में आपने हाइट शो किए है, क्योंकि हमने कहा था कि ट्रू शेप ऑफ सॉलिड के टाइम आपको हाइट शो करना है। तो ये जो भी हाइट है सॉलिड का, दैट इज 80 mm का हाइट है, तो वो हमने हाइट यहां पे शो किया है। हम यहां पे डायमेंशन लिख लेंगे। तो फाइनली हमने यहां पे 2 स्टेजेस कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ बेस, सेकंड स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। तो ये दोनों स्टेप यहां पे ड्रॉ हो चुका है, ये है ट्रू शेप ऑफ बेस और ये है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। थर्ड स्टेप होता है टिल्टेड सॉलिड, इसका मतलब हमें सॉलिड को टिल्ट कराना है, इट मीन सॉलिड को झुकाना है, इट मीन सॉलिड को इंक्लाइन कराना है। तो क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा था अ स्क्वायर पिरामिड। क्वेश्चन में क्या लिखा था देखो, बहुत ही स्पेशल है यहां पे। क्वेश्चन में लिखा था स्क्वायर पिरामिड हैज वन ऑफ इट्स साइड ऑफ बेस इन एचपी। क्वेश्चन में लिखा है साइड ऑफ बेस इन एचपी एंड एक्सिस इंक्लाइंड 30 degree टू एचपी। देखो यहां पे 2 चीजें आपको एक साथ यहां पे अटेम्प्ट करना है। इट मींस यहां पे सॉलिड को टिल्ट करते समय, सॉलिड को झुकाते समय आपको 2 कंडीशंस यहां पे फॉलो करना है। इट मींस 2 कंडीशन हमें सॉल्व करना है। पहली कंडीशन है साइड ऑफ बेस इन एचपी, और दूसरी कंडीशन है एक्सिस इंक्लाइन 30 degree टू एचपी। इसका मतलब ये सॉलिड को टिल्ट करते समय, ये सॉलिड को झुकाते समय आपको साइड ऑफ बेस इन एचपी वो भी अप्लाई करना है, इट मींस वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, और एक्सिस इंक्लाइन 30 degree टू एचपी वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे में कौन सा साइड ऑफ बेस इन एचपी, तो ये देखिए ये राइट साइड का साइड ऑफ बेस, ये देखिए ये राइट साइड में आपने साइड लेके बनाए, ये देखिए ये राइट साइड में आपने साइड ऑफ बेस ले लिए, क्योंकि राइट साइड का साइड ऑफ बेस इन एचपी करना है। तो देखो ये जो सीडी है, ये सीडी साइड ऑफ बेस इन एचपी करना है, तो ये जो सीडी है ये हम यहां पे रखेंगे। तो ये देखो ये हमने यहां पे रखे सी डैश स्लैश डी डैश, ये जो सी डैश डी डैश है ये हमने यहां रखे, और अब हमें यहां पे इसको टिल्ट कराना है, इट मींस इसको झुकाना है। लेकिन झुकाते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक्सिस 30 degree से इंक्लाइन करनी है। तो यहां पे एक्सिस का एंगल 30 degree है, तो बेस का एंगल 60 degree होगा। क्या कहा हमने, एक्सिस का एंगल 30 degree है, तो बेस का एंगल 60 degree होगा। हमें क्या करना है, 90 - 30 करना है। 90 - 30 करने के बाद बचेगा 60, तो हमें बेस को 60 degree से इंक्लाइन करना है। बेस को 60 degree से इंक्लाइन करना है। एक्सिस का एंगल जब भी दिया हो तो एक्सिस का एंगल डायरेक्टली अप्लाई मत करना, एक्सिस का एंगल 90 में से माइनस करना, और जो भी एंगल बचता है वो एंगल से बेस इंक्लाइन करना। अभी यहां एक्सिस का एंगल 30 degree है, तो हमने 90 को 90 में से 30 माइनस किए, बचा 60 degree। तो अब हम क्या करेंगे, बेस को 60 degree से इंक्लाइन करेंगे, तो अपने आप ही एक्सिस 30 degree इंक्लाइन आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां पे जो स्टेज ड्रॉ करना है वो ऐसा है। ये देखिए हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, ये देखिए हम एक सैंपल यहां पे ड्रॉ करके बता रहे, हमें ये ऐसा इसको झुकाना है, हमें इस तरह से झुकाना है कि ये जो एक्सिस है ये 30 degree से इंक्लाइन आ जाए। ये देखिए ये जो एक्सिस है
ये यहां पे 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है, तो डायरेक्टली एक्सिस का एंगल अप्लाई मत करना। अगर आप डायरेक्टली एक्सिस का एंगल लेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो एज ऑफ बेस है, वो ऑन एचपी नहीं आएगा, वो या तो एक्स वाई लाइन के ऊपर चले जाएगा या तो एक्स वाई लाइन के नीचे चले जाएगा, वो एग्जैक्टली ऑन एक्स वाई नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सिस का एंगल जब भी दिया है तो वो एंगल 90 में से माइनस करके जो एंगल बचता है वो 60 डिग्री से इंक्लाइन जो है हमें बेस इंक्लाइन करना है। तो चलो बेस का एंगल 60 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे। बेस ये है, देखिए ये जो हम ये देखें, ये जो है ये बेस है, हम ये बेस को यहां 60 डिग्री से इंक्लाइन करना है, क्योंकि यहां पे 30 है, यहां पे 90 है, देखिए ये 90 है, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो ये 60। तो अगर आप बेस 60 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे तो एक्सिस अपने आप ही 30 डिग्री से इंक्लाइन बन जाएगा। तो फाइनली हम यहां पे 60 डिग्री का एंगल ले लेंगे, बेस का एंगल 60 डिग्री लेंगे, तो प्रोटेक्टर हम यहां रखेंगे और बेस यहां 60 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे। तो यहां पे हम 60 डिग्री पे एक लाइन बना देंगे क्योंकि हमें बेस इंक्लाइन करना है। और अब बेस का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे, देखिए बेस का ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमने कंपास में ले लिए और यहां पे रख के आपको बेस मार्क करना है, और जो बीच का पॉइंट है पी, वो भी आप कंपास में लेंथ लेंगे और वो भी लेंथ आप यहां पे मार्क करेंगे। और यहां पे नेमिंग वही देंगे, यहां पे हम कहेंगे बी डैश स्लैश ए डैश, बी डैश स्लैश ए डैश, और यहां पे है पॉइंट पी डैश। और अब आप यहां पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये देखिए, ये हमने एक्सिस बना दिए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस, ये हम बेस भी बना लेते हैं यहां पे। तो ये देखिए, ये हमने बेस को डार्क बना दिए और अब हम एजेस जो है वो यहां पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये टिल्टेड सॉलिड तैयार हो जाएगा। तो ये है ओ डैश। तो देखिए फाइनली हमने यहां पे इसको टिल्ट किया है, इट मींस हमने उसको झुकाया है और यहां पे एक्सिस हमें 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है। तो यहां एक्सिस का एंगल हम 30 डिग्री शो करेंगे, तो एक्सिस को पीछे एक्सटेंड करो। तो ये देखिए, एक्सिस को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे हमें एंगल शो करने में आसानी होगी 30 डिग्री। ये पी डैश, ये देखिए ऐसा, हमने बेस का एंगल 60 डिग्री लिए तो एक्सिस का एंगल हमें अपने आप ही 30 डिग्री मिल गया। ये देखिए, हमने ये एंगल 60 डिग्री का लिए थे, हमें एंगल शो नहीं करना है, लेकिन हमने बेस का एंगल 60 डिग्री लिए थे तो एक्सिस का एंगल अपने आप ही हमें 30 डिग्री मिलता है, हमें बेस का एंगल यहां पे शो नहीं करना है। तो देखिए, जब कभी भी एक्सिस का एंगल रहेगा तब हमेशा आपको बेस इंक्लाइन करना है, डायरेक्टली एक्सिस नहीं, और उसके लिए आपको 90 में से माइनस करके एंगल निकालना पड़ेगा। तो फाइनली ये हमने टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ कर लिए, इट मींस हमने ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। और अब यहां के सभी पॉइंट से प्रोजेक्शंस नीचे लेके आओ, तो नीचे हम ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू। तो सभी प्रोजेक्शंस हमने नीचे लेके आ गए हैं और इधर के भी प्रोजेक्शंस हमने इधर लेके गए और अब हमें यहां पे टॉप व्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो देखो इधर से ए का प्रोजेक्टर है, ऊपर से ए का प्रोजेक्टर है, यहां मिल गया, तो ये हो गया ए वन। फिर इधर से बी का प्रोजेक्टर, ऊपर से बी का प्रोजेक्टर, तो यहां मिल गया हमें बी वन। इधर से सी का और इधर से सी का, तो ये हो गया सी वन। इधर से डी और ऊपर से डी, तो ये हो गया डी वन। और इधर से पी और ऊपर से पी, तो यहां हमें मिल जाएगा पी वन। और इधर से ओ, ऊपर से ओ, तो यहां पे हमें मिल जाएगा ओ वन। और अब हम यहां पे सभी को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने से जो शेप मिलेगा वो हो जाएगा टॉप व्यू। और ज्वाइन करते समय आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए, तो चलो हम यहां पे रूल्स बता देते हैं। ज्वाइन करना बहुत आसान है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, तो ज्वाइन करते समय वही रूल हमें अप्लाई करना है जो रूल हमने यहां बताए थे। क्या रूल बताए थे यहां पे, याद करो, पहला रूल हमने बताए थे आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स आपको हमेशा डार्क करना है। तो ये देखिए, हमने बाहर के पॉइंट्स यहां पे डार्क कर लिए, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, पहला रूल था आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, वो हमने कर लिए। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, बेस का नाम क्या है, बेस का नाम है ए बी सी डी। ये देखो, बेस का नाम ए बी सी डी है, तो सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस। अब प्रोजेक्शंस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये सॉलिड को ऊपर से देखो, ये सॉलिड को ऊपर से देखो और देखो कि बेस दिख रहा है क्या। अगर बेस दिखाई दे रहा है तो बेस पूरा डार्क स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो, और अगर बेस नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डॉटेड लाइन से उसको ड्रॉ करो। प्रोजेक्शंस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए आपको सॉलिड को ऊपर से देखना है, ऊपर से देखो कि बेस दिख रहा है क्या। देखो बेस ये है, एबीसीडी बेस इधर है, अगर आपको बेस देखना है तो आपको इधर से देखना पड़ेगा, इधर से देखेंगे तो आपको बेस दिखाई देगा, लेकिन आप इधर से नहीं देख रहे ना, आप तो ऊपर से देख रहे हैं। आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ओएबी, ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, बेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेस बनेगा डॉटेड। तो हम बेस यहां पर डॉटेड बनाएंगे, इट मीन जो बचा हुआ बेस है वो, क्योंकि यहां पर ए बी सी डी, ये देखिए ये जो बाहर के है ये तो आउटर में आ गया, लेकिन ये जो डीसी है ये हम इनर एज जो है वो हम डॉटेड बनाएंगे।
बेस का एक एज जो है वो अंदर में है, तो ये हमने डॉटेड बना दिए। ये देखो, ये हमने हिडन लाइन, इट मीन्स हमने डॉटेड लाइन के थ्रू यहां पे शो किया है, क्योंकि बेस कंप्लीट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए ए बी सी डी, ये देखो ए बी सी और ए से डी ये आउटर में गया, लेकिन सी से डी जो है वो डॉटेड लाइन के थ्रू हमने शो किया। तो सेकंड रूल भी हमने बना लिए, ड्रॉ द बेस, क्योंकि बेस दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हमने डॉटेड बना दिए। थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस, एजेस हमें ड्रॉ करना है। कितनी एजेस है पिरामिड में, ये स्क्वायर पिरामिड है तो ऑब्वियसली इसमें फोर एजेस रहेंगी। तो यहां पे कौन सी एजेस है, देखो OA, OB, OC, OD, ये सभी के सभी एजेस ऐसा स्लैंट एजेस है, ऐसा इंक्लाइन एजेस है, तो वो एजेस हमें ड्रॉ करना है। OA, OB, OC और OD, तो वो हमें यहां ड्रॉ करना है। तो देखो OC और OD ये तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, क्योंकि OC और OD आउटर में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको OA ड्रॉ करना है और OB ड्रॉ करना है। तो OA और OB क्या बनेगा, तो हम ये OA बनाएंगे डायरेक्टली डार्क लाइन, डार्क स्ट्रेट लाइन से हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। OA हमने डार्क स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ क्यों किए, उसका रीजन आपको कुछ रूल्स बताते हैं। इतना तो कंफर्म है कि ऊपर से देख रहे हैं तो आपको OA और OB ये दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको डार्क ड्रॉ करना है। लेकिन आपको एक कुछ नया रूल बताते हैं, वो अगर आपको पता है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा। देखो, जब कभी भी आप इस टाइप का व्यू बनाते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना, डार्क लाइन को डार्क लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होता। ठीक है, डार्क लाइन को डार्क लाइन क्रॉस कभी नहीं होता। उसी तरह से डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन से क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने किए तो रॉन्ग, डार्क लाइन को डार्क लाइन से क्रॉस नहीं करना, डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन से क्रॉस नहीं करना, हमेशा डॉटेड लाइन को डार्क लाइन से ही क्रॉस करना, या उल्टा बोलो कि डार्क लाइन को डॉटेड लाइन से ही क्रॉस कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, इंटरपेनेट्रेशन ऑफ सॉलिड, हर जगह यूजफुल रहेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हमने ये जो रूल बताया कि डॉटेड लाइन और डार्क लाइन का ही क्रॉसिंग होना चाहिए, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे जो हमने सीडी है, देखिए ये जो सीडी है ये हमने डॉटेड लाइन के थ्रू शो किए थे। देखो सीडी हमने डॉटेड लाइन के थ्रू शो किए थे और हमें OA ज्वाइन करना था, तो OA जो है वो हमने डार्क स्ट्रेट लाइन से क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि डॉटेड लाइन बीच में आ रही थी, इसलिए डॉटेड और डार्क का ही क्रॉसिंग होता है, इसलिए हमने डॉटेड को डार्क लाइन से क्रॉस करा दिए। ठीक है, डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन से क्रॉस नहीं कराना या डार्क लाइन को डार्क लाइन से क्रॉस नहीं कराना। तो ये जो रूल है ये गलत है, ये आप ध्यान में रखना। ये रूल करेक्ट है जो हमने बताया, वो आप यूजफुल है, आप हर प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमने OA बना लिए डार्क स्ट्रेट लाइन। अब OB क्या होगा, देखो OB जो हमें ड्रॉ करना है वो ऑब्वियसली यहां पे डार्क स्ट्रेट लाइन से बनेगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप OB यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं तो बीच में डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है, तो OB जो है वो डार्क स्ट्रेट लाइन से बनेगी। ये कंफर्म हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ये हम यहां पे डार्क स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आसान रूल है यहां पे जो हमने बताया। और फाइनली अब लास्ट रूल की बारी। फर्स्ट रूल हमने बताए थे आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, तो फर्स्ट रूल हमने बना दिए आउटर पॉइंट्स डार्क। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, वो भी हमने बना दिए बेस ABCD। थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस, यहां पे फोर एजेस है OA, OB, OC, OD, ये चारों हमने बना दिए। और अब लास्ट रूल है ड्रॉ द एक्सिस। एक्सिस के लिए कोई रूल नहीं है, अगर एक्सिस दिखाई दे रहा है तो आप एक्सिस पूरा बना सकते हैं, अगर एक्सिस के साथ कुछ ओवरलैप कर रहा है तो कैसे ड्रॉ करना वो हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल यहां पे हम एक्सिस बना देंगे। देखो OP जो है एक्सिस, ये हम पूरा बना देंगे। यहां पे एक्सिस बनाते समय हमेशा लाइन डॉट लाइन ऐसे फॉर्म में ही आपको, ऐसे पैटर्न में ही आपको ड्रॉ करना है। तो ये हम बनाएंगे लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, ये हमने एक्सिस बना दिए। तो फाइनली ये पूरा टॉप व्यू यहां पे कंप्लीट हो गया। तो फाइनली इतना हमने ड्रॉ किए, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा था उसमें और भी हमें एक एंगल अप्लाई यहां पे करना है। क्वेश्चन में लिखा था स्टार्टिंग में साइड ऑफ बेस इन HP, तो ये देखिए ये CD साइड ऑफ बेस इन HP करें, इन HP इट मींस इन XY, वो हमने कर लिए। एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP करना है, तो ये देखिए एक्सिस हमने 30 डिग्री से इंक्लाइन करें। और अब हमने क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। क्या लिखा है, एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। इसका मतलब जो एक्सिस आपने 30 डिग्री टू HP किए वही एक्सिस आपको 45 डिग्री टू VP करना है।
इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी, तो चलो यहां पे एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी करेंगे और हम ड्रॉ करेंगे बाय ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। हम ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बना के बनाएंगे। दो मेथड होती है, एक होती है ऑक्सिलरी प्लेन मेथड और दूसरा होता है नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड से कैसे ड्रॉ करना वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहां पे हम फिलहाल ऑक्सिलरी प्लेन मेथड अप्लाई करेंगे। ऑक्सिलरी प्लेन मेथड में हमें क्या करना है, जो एक्सिस इंक्लाइन करना है बस वो एक्सिस को एक्सटेंड करो और 45 डिग्री का एंगल ले लो। तो चलो हम यहां पे ऑक्सिलरी प्लेन मेथड अप्लाई करेंगे और यहां पे एक्सिस को एक्सटेंड करके 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो ये हमने एक्सिस को एक्सटेंड कर लिए और अब हम यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 45 डिग्री का एंगल लेंगे यहां पे। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए और अब यहां पे लाइन बनाएंगे। 45 डिग्री एंगल पे आप लाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने 45 डिग्री से इंक्लाइन कर लिए, लेकिन हमें यहां पे बीटा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। बीटा एंगल फाइंड आउट इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी। अगर क्वेश्चन में एक्सिस इंक्लाइन बोला है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस इंक्लाइन है इसका मतलब एक्सिस का ट्रू लेंथ इंक्लाइन है जो कि 80 mm है। देखो एक्सिस का लेंथ है, एक्सिस का ट्रू लेंथ है 80 mm, तो एक्सिस इंक्लाइन है इट मींस 80 mm जो एक्सिस है वो इंक्लाइन है। अभी हम यहां पे जो एक्सिस इंक्लाइन कर रहे हैं वो एक्सिस का लेंथ जो है O1 P1 के बीच में 80 mm नहीं है, वो एक्सिस का रिड्यूस लेंथ है। एक्सिस जो है वो ओरिजिनली यहां पे आपको दिखाई दे रही है, यहां पे आपको 80 mm दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको 80 mm दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे आपको एक्सिस का रिड्यूस लेंथ दिखाई दे रहा है। ये टॉप व्यू में जो एक्सिस का लेंथ है वो उसका रिड्यूस लेंथ है। अगर आप 45 डिग्री इंक्लाइन पे डायरेक्टली इसके प्रोजेक्टर अगर आप परपेंडिकुलरली इधर लेके आके अगर आप नया फ्रंट व्यू बनाएंगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी, इसका मतलब एक्सिस का ट्रू लेंथ इंक्लाइन है। ऐसे में यहां पे आपको बीटा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हो और कैसे ड्रॉ करना ये आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं आती है और वहीं पे उनका रॉन्ग होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है, 45 डिग्री वाली लाइन पे आपको एक्सिस का ट्रू लेंथ पहले मार्क करना है। एक्सिस का ट्रू लेंथ कितना है, एक्सिस का ट्रू लेंथ है 80 mm। देखो एक्सिस का ट्रू लेंथ का हम लेंथ यहां पे ले लेंगे कंपास में। कंपास में हमने एक्सिस का लेंथ ट्रू लेंथ ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर यहां रखेंगे और 45 डिग्री वाली लाइन पे आप इधर कट करेंगे। तो देखिए कंपास का सेंटर हमने रखे और इधर हम कट करेंगे, तो ये देखिए यहां पे हमने कट किए। जहां पे हमने कट किए वहां से अब आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहां पे रॉन्ग होता है। हमें क्या करना है, जहां पे हमने कट किए 80 mm वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करना है। तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप एक्सिस का रिड्यूस लेंथ मार्क करेंगे। ठीक है, एक्सिस का रिड्यूस लेंथ जो कि ये O1P1 है, ये O1P1 O से लेके P, ये देखो O1P1 ये जो भी रिड्यूस लेंथ है वो एक्सिस का लेंथ आप कंपास में लेंगे। आप कंपास का सेंटर फिर से यहां रखेंगे और ये लाइन के ऊपर आप कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने एक्सिस का रिड्यूस लेंथ ले लिए, इट मींस टॉप व्यू का जो एक्सिस है वो लेंथ हमने ले लिए। ये यहां पे हम रखेंगे और ये लाइन पे आप कट करेंगे। तो देखिए हम यहां पे कट कर रहे हैं। तो ये हमने यहां पे कट किए और ये पॉइंट मिलके हम यहां पे एक्सिस कंप्लीट कर लेंगे। ये एक नया रेफरेंस एक्सिस है, इसको हम x1 y1 ऐसा हम इसको एक्सिस कहेंगे, x1 y1। ये ऑक्सिलरी प्लेन हम बना रहे, तो ये हो गया x1 y1, x1 y1, और यहां पे हमें जो एंगल मिलेगा वो कहलाएगा बीटा एंगल। तो ये है वो एंगल बीटा। तो देखिए हमने क्या किया, फिर से एक बार बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप फिर से देखिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एक्सिस को इंक्लाइन करना है वो एक्सिस को हमने एक्सटेंड किए। ठीक है, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट लेके एक 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाए और ये 45 डिग्री वाली लाइन पे हमने एक्सिस का ट्रू लेंथ का लेंथ मार्क किया। देखिए ये एक्सिस का ट्रू लेंथ आपको यहां से मिल जाएगा 80 mm। एक्सिस का जो ट्रू लेंथ का लेंथ है 80 mm वो आपने यहां पे रखे पॉइंट, देखो कंपास का सेंटर यहां रखे और आपने इधर मार्क किया ट्रू लेंथ का लेंथ मार्क किया, तो हम यहां लिख देंगे TL। देखिए हम यहां लिख रहे हैं TL, इट मींस हमने पहले ट्रू लेंथ का लेंथ यहां पे मार्क किया। जहां पे कट गया वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे एक्सिस का रिड्यूस लेंथ जो कि आपको टॉप व्यू से मिलता है ये लेंथ लेके आप कंपास का सेंटर यहां रखे, आप इधर कट करेंगे ये लाइन पे, तो यहां पे कट गया और वो इसको आप ज्वाइन करते हुए फाइनली आपने एक्सिस बना दिए x1 y1। और अब आप क्या करेंगे, ये टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली शिफ्ट करेंगे, इट मींस आप यहां के प्रोजेक्शंस इधर लेके जाएंगे परपेंडिकुलर टू x1 y1 और फिर यहां पे हम बनाएंगे फ्रंट व्यू।
तो फाइनली ये टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स से हमने प्रोजेक्शंस इधर लेके गए और अब हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट व्यू। क्यों? क्योंकि ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू के बाद इधर फ्रंट व्यू बनेगा, तो चलो वो फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। और ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट्स का लेंथ कहां से लेंगे, तो ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए इसके पहले के फ्रंट व्यू से लेंथ लो। इसके पहले का फ्रंट व्यू कहां है? इसके पहले का फ्रंट व्यू ये है, यहां के सभी पॉइंट्स का लेंथ लो एक्स वाई से और यहां एक्स वन वाई वन पे रख के मार्क करो। कैसे मार्क करेंगे? देखिए यहां पे जो सीडी है ये कहां पे, देखिए सीडी जो है वो एक्सिस के ऊपर है, तो इसका सीडी भी एक्सिस पे रहेगा। तो ये देखो सी की लाइन, ये देखो ये सी का प्रोजेक्टर जा रहा है, सी के प्रोजेक्टर यहां पे रहेगा सी वन डैश, और डी का प्रोजेक्टर ये जा रहा है तो यहां एक्सिस पे रहेगा डी वन डैश, एक्सिस के पॉइंट एक्सिस पे रहेंगे। देन यहां पे जो पी है वो देखो एक्स वाई से इतना ऊपर है, तो कंपास में आप इतना लेंथ लेंगे, एक्स वाई से इतना ऊपर है वो हमने कंपास में लेंथ लिए, और पी के लाइन पे ये देखिए ये पी का प्रोजेक्टर है, एक्सिस के ऊपर रखेंगे और यहां पर आप कट करेंगे तो यहां पर हमें मिल गया पी वन डैश। ठीक है, हमें डैश लगाना कंपलसरी है क्योंकि यहां पे फ्रंट व्यू बन रहा है तो हमें डैश लगाना कंपलसरी है। उसके बाद बी और ए का लेंथ लेंगे, देखो बी डैश ए डैश का हमने लेंथ ले लिए, ये ए का प्रोजेक्टर जा रहा है, ए के प्रोजेक्टर पे हम रखेंगे यहां पे तो ये हमें मिल गया ए वन डैश, और अब हमें बी वन डैश चाहिए तो ये बी का प्रोजेक्टर जा रहा है, हम यहां पर रखेंगे और यहां कट करेंगे तो ये हमें मिल गया बी वन डैश। और अब लास्ट बचा ओ, तो एक्स वाई से ओ का लेंथ हम ले लेंगे, एक्स वाई से इतना ऊपर है हाइट में तो ये हमने लेंथ ले लिए, O का प्रोजेक्टर ये जा रहा है एक्सिस के ऊपर रख के हम इधर कट करेंगे तो ये हमें मिल गया ओ वन डैश। और अब हमें सभी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन के लिए वही रूल्स अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे यूज किए थे। तो सबसे पहला हमने रूल बताए थे आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, बाहर के सभी पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है डार्क, तो देखो बाहर के सभी पॉइंट्स हम डार्क बना देंगे। तो फाइनली हमने आउटर पॉइंट्स डार्क बना लिए। और सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, पहला रूल है बाहर के पॉइंट्स डार्क, तो ये देखिए आउटर पॉइंट्स हमने डार्क बना दिए। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, हमें बेस ड्रॉ करना है, बेस का नाम क्या है? बेस का नाम है ए बी सी डी, तो हमें यहां पे बेस ड्रॉ करना है। तो बेस ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्शंस कहां से आ रहे वो आप चेक करो, प्रोजेक्शंस जहां से आ रहे वहां से आप देख के ड्रॉ करेंगे। तो प्रोजेक्शन जो है वो टॉप व्यू से फ्रंट व्यू की तरफ आ रहे, इट मींस इधर से इधर आ रहे, तो आप ये जो टॉप व्यू में जो सॉलिड है इसको आप इधर से देख रहे हैं, ये देखिए आप यहां से देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं, तो आप देखो कि आपको बेस दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको बेस दिख रहा है। ये देखो ये बेस आपको पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि आप बेस के तरफ से ही देख रहे हैं। देखो इधर बेस है, इधर अपेक्स है, इधर बेस है, इधर अपेक्स है, और आप बेस के तरफ से देख रहे हैं, इट मींस आपको बेस पूरा दिखाई दे रहा है, तो बेस जो है यहां पे पूरा आप डार्क बनाएंगे। तो चलो यहां पे बेस हम पूरा का पूरा बेस जो है वो डार्क स्ट्रेट लाइन से है यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड रूल है ड्रॉ द बेस, बेस हमें पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, इट मींस हम बेस के तरफ से देख रहे हैं तो हमें बेस पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने बेस को डार्क स्ट्रेट लाइन से थ्रू हमने यहां पे ज्वाइन किए। और अब थर्ड रूल है ड्रॉ द एजेस, कितनी एजेस है? यहां पे फोर एजेस है क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है, OA, OB, OC, OD, तो यहां पे फोर एजेस है तो हमें वो एजेस ड्रॉ करना है। तो यहां पे OD और OB वो तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए क्योंकि वो आउटर में आ गया, OD और OB ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बचा सिर्फ OA और OC, तो यहां पे OA ड्रॉ करना है और OC ड्रॉ करना है। तो OC क्या होगा? देखो अगर आप OC ज्वाइन करेंगे तो OC होगा डॉटेड लाइन, OC आपको डॉटेड लाइंस इट मींस हिडन लाइंस के थ्रू शो करना है। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल बताए थे कि डार्क लाइन को कभी भी डॉटेड लाइन में ही क्रॉस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जब आप OC ड्रॉ करेंगे तो बीच में देखो ये डार्क स्ट्रेट लाइन का बेस आ रहा है, देखो डार्क स्ट्रेट लाइन का बेस आ रहा है, डार्क लाइन आ रही है, इट मींस क्रॉस डार्क के साथ हो रहा है, तो हम डॉटेड लाइन से यहां बनाएंगे। तो OC जो है वो हम डॉटेड लाइन से यहां बना सकते हैं आराम से, तो चलो हम यहां पे बनाएंगे OC डॉटेड। और फिर हम बचा सिर्फ हमें OA ड्रॉ करना है, तो OA कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये देखो OA यहां पे A पॉइंट भी दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी। तो हम एक नया रूल बता रहे, वो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो एक नया रूल बता रहे सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कोई पॉइंट पे दो डॉटेड लाइन है तो थर्ड लाइन भी डॉटेड ही जाएंगी, ठीक है, या अगर कोई पॉइंट पे दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो रूल है सिर्फ इनर पॉइंट्स के लिए लगता है, आउटर पॉइंट्स के लिए ये रूल नहीं लगता, जितने भी पॉइंट्स इनर इट मींस अंदर में जो है वो पॉइंट्स के लिए रूल लगेगा, आउटर पॉइंट्स के लिए ये रूल नहीं लगेगा। तो यहां देखिए ए पॉइंट पे दो डार्क लाइन है, ठीक है, ये देखिए दो डार्क स्ट्रेट लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क होगा, इट मींस OA यहां पे जो ड्रॉ होगा वो हम डार्क स्ट्रेट लाइन से यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये हमने OA बना दिए डार्क स्ट्रेट लाइन, और अब हम OC बनाएंगे, OC जो है एक्चुअली उसके साथ ओवरलैप कर रहा है तो वो हम डॉटेड हमें यहां ड्रॉ करना है,
तो फाइनली हमने यहाँ पे एजेस ड्रॉ कर लिए हैं और अब लास्ट रूल है ड्रॉ द एक्सिस। एक्सिस अगर आपको पूरा दिखाई दे रहा है तो पूरा ड्रॉ करो, नहीं तो जितना दिखाई देगा उतना ड्रॉ करो। तो एक्सिस हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करने को जाएंगे तो हमें पूरा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हम जितना दिखाई दे रहा है हम सिर्फ उतना ही बनाएंगे, लाइन डॉट लाइन ऐसा हम बनाएंगे। तो फाइनली सॉल्यूशन तो हमारा पूरा तैयार हो गया। एक्चुअली हमने ये जो कुछ भी बनाया है ये पूरा रफ है, आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो आप फेयर वर्क इट मींस ओरिजिनल डायमेंशन का यूज करके बनाएंगे। हम जो ये बना रहे ये हमारे पास एक सिंपल स्केल है, हम सिर्फ उसी से बना रहे हैं। ये पूरा रफ डायग्राम्स है, ये ऐसा ही बनेगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ लाइन्स ओवरलैप भी हो सकती है या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, वो आप जब ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे या शीट के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो करेक्टली बनेगा। ठीक है, तो फाइनली जो क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा उसका सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन में लिखा था अ स्क्वायर पिरामिड हैज वन ऑफ इट्स साइड ऑफ बेस इन एचपी, तो ये देखो साइड ऑफ बेस इन एचपी है, ये देखिए यहां पे साइड ऑफ बेस जो सीडी है वो इन एचपी आ गया, एंड दैट एक्सिस इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू एचपी एंड 45 डिग्री टू वीपी। तो ये देखिए एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू एचपी एंड 45 डिग्री टू वीपी, और हमने यहां पे बीटा एंगल भी फाइंड आउट किए। बीटा एंगल कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा बाय प्रोजेक्टर और उसको रिजल्ट में साइड में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो लिखा था ये उसके अकॉर्डिंग पूरा उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो फाइनली ये था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने कवर किए। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। इसके पहले हमने इसके बेसिक लेक्चर्स किए थे, और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।